झारखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन दुमका के इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ, जहां यह प्रतियोगिता मंगलवार को भी खेली गई। आपको बता दें कि लंबे समय बाद संताल परगना क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल के प्रयास से दुमका में इस तरह का आयोजन किया गया है। डीआईजी दुमका बैडमिंटन एसोसिएशन दुमका के संरक्षक भी हैं। वहीं स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव प्रभाकर राव ने बताया कि बैडमिंटन खेल में झारखंड के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कहीं से भी कोई कमी नहीं। कई खिलाड़ी नेशनल लेवल पर तो नाम रोशन कर चुके हैं, लेकिन स्टेट लेवल से इस खेल में जितनी मदद उन्हें मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पाई। सरकार इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों के लिए आगे आएगी तो और भी बेहतर खिलाड़ी झारखंड का नाम रोशन कर सकेंगे। ईयर में वन टाइम मिलता है, जो स्टेट रैंक होल्डर रहते हैं 1-2-3 उन्हें मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है 30,000 के आसपास, और बाकी एसोसिएशन सपोर्ट मिलता है खेलने को। और इतने दिन के बाद यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, पर यहाँ टूर्नामेंट बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ नया नया आप देख सकते हैं, नया मैट लगा हुआ है यहाँ पर। ये मैट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हम लोग खेलने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है, कम्फर्टेबल फील होता है, क्योंकि बाहर मैच होता है ना तो इसी मैट में होता है। ये सब चीज़ों में देखना होना बहुत अच्छा है। दुमका में इतना अच्छा मैच होना बहुत अच्छा लगा खेल के। यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद हो रहा है तो एक्सपीरियंस के लिए तो काफ़ी अच्छा है, और टूर्नामेंट पैंडमिक के कारण तो हो नहीं रहा था, तो इतने दिनों बाद हो रहा है सो इट्स गुड। झारखंड में तो बिल्कुल नहीं, मतलब लाइक प्राइस के उसमें और सब चीज़ में लाइक हम लोग को तो कभी नहीं मिला गवर्नमेंट, स्पेशली झारखंड एसोसिएशन बैडमिंटन एसोसिएशन हर एक सरकार को निवेदन करती है कि ये खिलाड़ी हैं, उन लोग कुछ बच्चों को पैसे से स्कॉलरशिप भी दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है कि जितना मिलना चाहिए, क्योंकि बैडमिंटन अभी आपको जानकारी दे रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हमारे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में 20,000 खिलाड़ी से ज़्यादा है, खासकर साउथ में वगैरह ये सब में बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं, हमारे यहाँ भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ क्रिकेट के बाद सबसे पॉपुलर गेम हमारा हिंदुस्तान में ये बैडमिंटन हुआ। इसमें संभावना अगले दिनों बहुत संभावना। सरकार को जिस तरह से अभी ओलंपिक में सुविधाएं दी है बच्चों को, उस तरह से स्तर में सोचना पड़ेगा हमारे राज्य सरकार को। न्यूज विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सिटी स्कैन 64/7 की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में, होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।